स्टूडेंट्स वालेकुम दिस इज़ साइंस क्लास फोर ग्रेड फाइव एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर एटीन एंड द टॉपिक इज़ मून बिफोर स्टार्टिंग दिस यूनिट आई वांट टू गिव यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट मून के मून जिसे कि आप आम तौर पे जानते हैं हम सब जानते हैं कि चाँद को कहते हैं जो आपको आसमान पर नज़र आता है और ये कहाँ पर लोकेट करता है ये हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है और सोलर सिस्टम क्या है सोलर सिस्टम जो है वो एक कलेक्शन है एट प्लैनेट्स की और उनके साथ उनके मूनस की ठीक है हर एट प्लैनेट्स हैं उनके अपने मूनस हैं जो ऑर्बिट करते हैं सन के इर्द गिर्द यानी सन के इर्द गिर्द वो रिवॉल्व करते हैं और सिर्फ प्लैनेट यही नहीं होते इनके साथ कुछ स्मॉल बॉडीज़ भी होती हैं जिन्हें हम एस्टोरइड्स कहते हैं मेटोराइड्स कहते हैं या कॉमेट्स कहते हैं ये सब सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं और ये सब अरेंज होते हैं अराउंड द सन इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन जितना करीब होगा वो सन के करीब होगा उसी तरह डिस्टेंस ज़्यादा होता जाता है तो वो प्लैनेट्स जो हैं वो दूर होते जाते हैं आपने शायद पहले सोलर uh, सिस्टम का सुना भी हो और इसमें जो प्लैनेट्स हैं उनके नेम है मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरनस एंड नैपचूम और इन सब प्लैनेट्स के जो हैं अपने अपने मून है और जो मून है जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ये फोर्थ लार्जेस्ट सैटेलाइट है इन सोलर सिस्टम में सोलर सिस्टम का फोर्थ लार्जेस्ट सैटेलाइट है और ये एक नेचुरल सैटेलाइट है वैसे आम तौर पे सैटेलाइट हम ऐसी बॉडीज़ को कहते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो रिवॉल्व करती हैं किसी भी प्लानट के इर्द गिर्द और टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्लेस लेकिन यहाँ पे जो मून है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है ये कुदरती तौर पे जो है सन का प्रॉपर हमारा जो नेचुरल सैटेलाइट है और फोर्थ लार्जेस्ट सैटेलाइट है सोलर सिस्टम में लार्जर देन एनी अदर प्लैनेट किसी भी दूसरे प्लैनेट से ये बड़ा है सो वी केम टू नो इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम और ये नेचुरल सैटेलाइट है और दैट्स ऑल फॉर द लोकेशन ऑफ मून के ये कहाँ लोकेट करता है ये सोलर सिस्टम में है दूसरे मूनस भी हैं हर सेटेलाइट के और फोर्थ नंबर पे ये प्लेस करता है लार्जेस्ट सेटेलाइट है और सैटेलाइट किसे कहते हैं जो ऑब्जेक्ट होता है वो जो किसी भी प्लानट के गिर्द रिवॉल्व करता है टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्लानट और ये आर्टिफिशियल भी होते हैं लेकिन मून जो है वो एक नेचुरल सेटेलाइट है नो वी विल स्टार्ट आर लेसन दैट इज़ द मून और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वहाँ पे ये कहाँ लोकेट करता है इज़ आर नीरेस्ट नेबर इन स्पेस ये हमारा सबसे करीबी नेबर है और यहाँ पे जो है आप तो ये बहुत कॉमन बात है सब जानते हैं कि मून पे जो है लाइफ नहीं है वहाँ एयर नहीं है और वहाँ पे वाटर भी नहीं है और उसकी जो सरफेस है वो उसके वहाँ पे रॉक्स हैं या वहाँ पर डस्ट है ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारा सबसे करीबी अर्थ का नेचुरल सेटेलाइट है स्पेस में और यहाँ पे लाइफ नहीं है यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती और उसकी रीज़न क्या है वहाँ पे एयर की एब्सेंस है वहाँ पानी नहीं है और हमें एयर का लाइफ से क्या रिलेशन है कि एयर हमें ऑक्सीजन चाहिए है ज़िंदा रहने के लिए तो वहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है तो हाउ कैन वी सरवाइव देयर तो देर इज आर देर आर टॉल माउंटेंस एंड फ्लैट प्लेन ऑन द मून वहाँ बड़े बड़े पहाड़ भी हैं और प्लेन एरियाज भी हैं और वहाँ पे एक आप वहाँ पे गड़े से भी हैं जिन्हें डिचेज गड़े हैं जिन्हें क्रेटर्स कहा जाता है और वो बहुत हंड्रेड ऑफ किलोमीटर वाइड होते हैं ठीक है माउंटेन्स हैं बड़े बड़े माउंटेन्स हैं प्लेन्स भी हैं और गड़े भी हैं डिचेज जिन्हें क्रेटर कहा जाता है और इन जो क्रेटर्स की जो है चौड़े बहुत ज़्यादा हंड्रेड ऑफ किलोमीटर्स ये वाइड होते हैं और आपको वहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें या आप स्टडी करें तो मैनी ऑफ देम हैव हैीन मेड बाय बाय लार्ज रॉक्स फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मून और ज़्यादातर ये जो घड़े हैं या क्रेटर्स हैं ये बहुत बड़े पहाड़ जब गिरते हैं जब चेंजेस आती हैं तो उनकी वजह से ये बने हुए हैं और अगर आप मुन, फुल मून की तरफ देखें रात के वक्त तो आपको वहाँ पे कुछ डार्क और लाइट एरियाज नज़र आते हैं जो डार्क एरियाज हैं उनको पेंस कहते हैं और जो लाइट एरियाज हैं वो माउंटेंस हैं और टेलीस्कोप अगर यूज़ करें तो आप इजीली क्रेटर्स भी देख सकते हैं ये एक थ्री वेज हैं कि जितनी जितनी आप एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा क्लियर जो है आपको मून नज़र आता है ये आप देख सकते हैं कि एक सिंपल वे में मून देखना आप जैसे हम आम तौर पर देखते हैं और इसके अलावा ये माइक्रोस्कोप से मून देखना उसमें डिफरेंस है और टेलीस्कोप से सबसे ज़्यादा आप अगर टेलीस्कोप को यूज करें तो आप क्रेटर्स भी देख सकते हैं यहाँ पे ये देखें जिन गढ़ों का मैंने आपको बताया है कि बड़े बड़े गड़े हैं हंड्रेड ऑफ किलोमीटर वाइड हैं और इनको जो है क्रेटर्स कहा जाता है और ये उस वक्त बनते हैं जो जब बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स जो हैं वो मून पे आ, मून की सरफेस पे गिरती हैं जिनकी वजह से ये क्रेटर्स बनते हैं आज हम ये आपकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी और कुछ आपके लिए जनरल इन्फॉर्मेशन थी कि सोलर सिस्टम में ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं ये फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है इट इज़ नेचुरल सेटेलाइट ऑफ अर्थ ये कुदरती तौर पर जो अल्लाह ताला ने ये सैटेलाइट दिया है इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ये अर्थ के ऑर्बिट uh, करता है और ये सेटेलाइट uh, है नेचुरल uh, सेटेलिइट है और दिस इज़ थ्री एटी फोर थाउजेंड किलोमीटर अवे इतना ये दूर है और ये अगर एक बहुत तेज़ ट्रेन जो है वो ट्रैवलिंग कर रही हो नॉन स्टॉप तो वो इतना डिस्टेंस जो है तकरीबन सिक्स मंथ में कवर करेगी तो आप देख सकते हैं कि एक ट्रेन नॉन स्टॉप जा रही है और फास्ट स्पीड से और वो डिस्टेंस जितना सिक्स मंथ में कवर करती है उतना ही डिस्टेंस मून का है दैट इज़ थ्री एटी फोर थाउजेंड किलोमीटर अवे और ये जो बहुत स्मॉल है आपके सुनने में आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है बट दिस इज़ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इन कंपैरिजन विद द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार फ्रॉम द अर्थ जो दूसरे प्लैनेट्स हैं अर्थ से उनके साथ अगर कंपेयर किया जाए तो ये डिस्टेंस बहुत कम है और अ नंबर ऑफ मून सेवरल प्लैनेट्स से हैव और हर प्लानट के अपने मूनस हैं जो कि अभी रिसेंटली ये डिस्कवरीज हुई हैं दिस इज़ ऑल फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो द इंट्रोडक्शन एंड इज देयर लाइफ प्रेजेंट और नॉट इट इज़ लाइफ लेस प्लेनेट नेचुरल सेटेलाइट दैट्स ऑल फॉर टूडे अल्लाह हाफिज